मेरे आपकी नहीं ये ट्रेन में तो भाई साहब ये लोग ये बड़ा सा अलमारी भी लेकर जा रहा हरे कृष्णा आप सभी को आपका स्वागत करते हैं कोने ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं इस वक्त आसनसोल रेलवे स्टेशन में हूँ और आज का हम सफर करने वाले हैं आसनसोल से पुरुलिया जंक्शन का। और हमारी जो ट्रेन है वो एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आसनसोल टू टाटानगर ये ट्रेन का नाम है और ये सारे बोगी जनरल है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अंदर ये ट्रेन कैसा है। दो मिनट में हमारी ट्रेन खुल जाएगी और ये ट्रेन जो है अभी खाली है। ये देख सकते हैं ये आसनसोल से ही खुलती है और लास्ट है टाटा नगर, जो कि टाटा नगर आज कैंसिल है ये ट्रेन, तो पुरुलिया जंक्शन तक ही जाएगी। तो भैया जी हमारी ट्रेन जो है आसनसोल से खुल चुकी है 8:25 में, कुछ टाइम में ये निकली है यहाँ से और हम यहाँ से जाएंगे पुरुलिया जंक्शन। तो आसनसोल के बाद हमारे बनपुर आएगी, उसके बाद दामोदर जंक्शन, इसी तरह से 15 रेलवे स्टेशन के बाद हमारी पुरुलिया रेलवे स्टेशन हम पहुँच जाएंगे। हमारी ट्रेन बरनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और यहाँ पर भी भीड़ काफी ज्यादा है, ये देख सकते हैं सामने। हमारी ट्रेन दामोदर जंक्शन पहुंच चुकी है और यहां से पुरुलिया का जो सफर है वो 2 घंटा से ज्यादा होने वाला है। तो अभी हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ये बीच में ही लेडीज बोगी भी है तो हम इससे पीछे अभी एक बोगी में चढ़ेंगे। हमारी ट्रेन जो है वो बर्नपुर से ही भीड़ जो है भर गई थी सीट। इस बोगी में तो सबसे ज्यादा भीड़ है और बर्नपुर से ही जो भीड़ थी वो बढ़ गई। इसके बाद मधुकुंडा मुरादी और उसके बाद रामकनाली जंक्शन आएगी। तो भैया आप कहाँ जाएंगे? मधुकुंडा। यहाँ भीड़ देखिए हमारी बोगी में। ये आ गई है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी आपको दामोदर जंक्शन के बाद देखने मिलेगी। ये दामोदर नदी बर्नपुर से होकर आसनसोल रानीगंज होकर दुर्गापुर चली जाती है। मैं पहुंच गया हूं मधुकुंडा रेलवे स्टेशन। यहां से भी लोग इस ट्रेन में चढ़ गए हैं और देख सकते हैं कि एक भी सीट खाली नहीं है ट्रेन में। कई लोगों को ट्रेन में सीट नहीं मिलती है तो नीचे ही बैठ जाते हैं। यहां देख सकते हैं लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। 3 स्टेशन के बाद हम जोचंडी पहाड़ जंक्शन पहुँचने वाले हैं। बंगाल में 3 से 4 पहाड़ है जहाँ हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। उनमें से एक पहाड़ है जोचंडी पहाड़ और उसी स्टेशन का नाम जोचंडी पहाड़ है। मुरारी रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं, रामकनाली जंक्शन आने वाली है। यहाँ पर एक पंचकोट पहाड़ है जो कि अभी बारिश के मौसम में ये हरा भरा और घना भी हो चुका है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और यहाँ पर आप आकर ट्रेकिंग कर सकते हैं, एडवेंचर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बड़ा
जोय चंडी जंक्शन आ चुका है और ये रेलवे स्टेशन का पूरा नाम है जोय चंडी पहाड़ जंक्शन, जो कि जोय चंडी पहाड़ के नाम से जाना जाता है और पूरे बंगाल में जोय चंडी पहाड़ में ही आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। अभी हमारी ट्रेन आद्रा जंक्शन रुकी हुई है, यहाँ पर मॉडर्न के तर्ज पर एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है और ये आद्रा जंक्शन जो है वो काफी बड़ा जंक्शन है, ये बड़ा शहर है और यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं इधर बहुत सारे लोग यहाँ पर उतरे हैं इस ट्रेन से। चलिए, और ये आद्रा जंक्शन से 5 रेलवे स्टेशन के बाद हमारी पुरुलिया जंक्शन आ जाएगी। लोकल ट्रेन में आपको खाने की कमी नहीं होगा, आपको ट्रेन में हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा खाने के लिए, पूरी सब्जी या झालमुड़ी। आद्रा जंक्शन में करीब ये गाड़ी 25 मिनट रुकेगी, उसके बाद खुलेगी ये ट्रेन में। तो भाई साहब ये लोग ये बड़ा सा अलमारी भी लेकर जा रहा, इस तरह से लेके जा रहा है। यहाँ पर गेट में भी नहीं जा रहा अंदर। भाई लोकल ट्रेन का यही फायदा होता है कि आप कुछ भी लेकर जा सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे साइकिल हो या फिर अलमारी। आपने देखा अभी अभी 9:50 हो रही है और 5 मिनट बाकी है इस ट्रेन के खुलने में, 9:55 में ये ट्रेन खुल जाएगी। क्या चीज? पुरुलिया। काफी बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा ट्रेन कहाँ जा रहा है और वो गलती कर देता है, उस ट्रेन में बैठ जाता है और इसी गलती से फिर वो हड़बड़ी में चलती हुई ट्रेन से भी कभी कूद जाता है, तो इससे इंसिडेंट भी हो जाता है। तो भैया हमारी ट्रेन तो गढ़ दुबरेश्वर नाम की ये स्टेशन पास रुकी हुई है आधा घंटा से ज्यादा और लोग यहाँ पर बाहर में ही बैठे हुए हैं। अनारा रेलवे स्टेशन, अनारा स्टेशन काफी क्लीन है, हालांकि इधर बारिश हुई है, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है और काफी सुहाना मौसम भी है यहाँ पर। हमारे घर तरफ भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, कल 6 घंटा तक बारिश हुई है हमारे घर रानीगंज में। भाई किन्नर लोग इस ट्रेन में भी है, तो पुरुलिया जंक्शन आ चुकी है, ये पुरुलिया जंक्शन लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद टाटा नगर ये कैंसिल हो गया और ये ट्रेन जो है अब ये पूरा खाली हो गया है। अब ये यहाँ से रिटर्न आसनसोल जाएगी 2 बजे के करीब। अब यहाँ पर जो लोग आसनसोल जाएगी वो लोग अब यहाँ पर चढ़ेंगे। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट जो इस तरह है, इधर 3 पर्सन के लिए है, इधर 2 पर्सन के लिए। पुरुलिया शहर को सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है, यहाँ पर 3 तरह का नृत्य होता है। पुरुलिया का नहीं, पूरे बंगाल का सबसे बड़ा पहाड़ है यहाँ पर पुरुलिया में है, वो अयोध्या हिल के नाम से जाना जाता है।
हमारी ट्रेन जो है ये पुरुलिया से अब रिटर्न चली जाएगी आसनसोल के तरफ, और ये दूसरी तरफ है जो टाटा नगर से आ रही है और ये चली जाएगी आसनसोल के तरफ। ये पुरुलिया रेलवे स्टेशन को काफी मॉडर्न भी बना दिया है और भी काम चल रहा है यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन में। और ये सामने की तरफ लिफ्ट भी बन रहा है अभी, और ये हमारी ट्रेन जो है अभी तक रुकी हुई है यहाँ पर। तो पुरुलिया रेलवे स्टेशन के बाहर हम आ चुके हैं और आई होप आप लोग को हमारा ये सफर अच्छा लगा होगा आसनसोल टू पुरुलिया का। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।